मैं अपना जो भी कार्ड से लैके आया अपनी बबल टी। फिर मैं सोचा क्यों ना अमृतसर स्टार्टअप शुरू किया जाए कार्ड से स्पैशली, क्योंकि अमृतसर किसी को है नहीं बहुआ बबल टी। अमृतसर गुरु नगरी के काफ़ी अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है, काफ़ी कस्टमर खुश होकर जाते हैं साढ़े को, तो असी अपना बेस्ट दे रहे। नॉर्मली जो बबल्स के फ्लेवर आ वो सारे इंपोर्टेड करवाने सर, वो असी इंपोर्ट करवाने ताइवान। स्वागत करती हैं दर्शकों, समर के मौसम से तुम चाह के शौकीन हो तो थोड़े लिए स्पैशल अज मैं लैके आई हाँ बोबा बबल टी, जो कि खास अमृतसर मिल रही है। यह स्पैशल दसी जाती है कि कोरिया की स्पैशल टी हैगी है, तो साढ़े वीर भरा ने हरजिंदर सिंह जी ने अमृतसर पेश किया है, तो असं उन्होंने गलबात भी करा किस तरह उन्होंने आइडिया आया तो बाकी चीज़ा भी पूछा। तो सर सब तो पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी गेट पंजाब टीवी के, तो तुम दसो किस तरह स्टार्टअप किया अपना? स्टार्टअप इदा किया मैडम, पहला कैफे लाइन के काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, कैफे लाइन के आप जॉब करते रहे हैं 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी फिर जो अपन एक्सपैक्ट किया सैलरी नहीं मिल रही थी, तो काफ़ी जगह तो मैं लीव भी किया, काफ़ी जगह तो मैं कढ़िया भी गया। फिर मैं सोचा कि उन्हें अपना खुद का काम किया जाए, फिर मेरे फादर साहब ने मैं बड़ा सपोर्ट किया, तो फिर अज मैं अपना जो भी कार्ड से लैके आया अपनी बबल टी। बोबा बबल टी वैसे तो कह सकते कोरिया की फेमस है ही है। हाँ जी, पर तुसी इत्थे किवें लैके आए हो? इत्थे लियाउण दा मकसद सी क्योंकि मैं काफ़ी जगह घूमया, दिल्ली बॉम्बे वगैरह होर भी कई कंट्रीज वगैरह घूमया वा, तो उत्थों घूमते घूमते फिर मैं सोचा क्यों ना अमृतसर स्टार्टअप शुरू किया जाए कार्ड से स्पैशली, क्योंकि अमृतसर किसी को है नहीं बोबा बबल टी, इसलिए मैं अपना शुरू करने का सोचा। तो तुसी दिखा सकते हो कि किस तरह की टी मिलती है, जो कि साडे ऑडियंस ने वो भी देख के इत्थे जरूर एक बार विजिट करन, ते मैं तुहानू गारंटी दिंदी हां कि तुसी एक बार इत्थों दी चाह पी के जाओगे ना, तो तुसी फिर एक बार आओगे। तो सर तुसी दस दो कि फ्लेवर है? हाँ जी मैडम, अपने को काफ़ी तरह के फ्लेवर है, जिद अपने को है ब्लूबेरी फ्लेवर, अपने को मैंगो फ्लेवर है, ब्लूबेरी फ्लेवर है, पीच है और पैशन है। ओके, तो इन फ्लेवर्स दी टी बनांदे हो? बिल्कुल, मतलब आइस टी बनांदे हो? जी, एदे विच कस्टमर कोई भी अपने कस्टमाइज ऐड करवा सकदा है, जिद्दां मतलब अपने फ्लेवर्स वगैरह दे नाल ऐड करवा सकदे है। किन्ने टाइम हो गया तुहानू स्टार्ट कीते होए? ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ 1 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕਸਟਮਰਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਜੀ ਇਹ ਟੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਰੀਅਨ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਬੇ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। तो मैं ना कार्ड के उपर इस करके शुरू किया क्योंकि घट प्राइस के लोगों वधिया एक्सपीरियंस दे सका अपना, मतलब लोगों नवी चीज़ लैके आओ। हाँ जी बिल्कुल। सर होर दसो कि किस तरह अपना स्टार्टअप किया, लगता है हूँ? बहुत वधिया लग रहा, मतलब मेरे लिए प्राइड प्राउड की मूवमेंट है, क्योंकि काफ़ी कस्टमर खुश होकर भी जाते अपने को, जिदे अपने को सैलड भी है, सैंडविच भी है, शेक्स भी है, शेक्स में भी बबल ऐड हो सकते हैं। हाँ जी, ते सानू भी एक ग्लास तुसी बना के दिखाओ, ते होर भी ताडे को मैं देख रही हां बॉटल्स दे विच भी की चीज है? बॉटल्स दे विच मैम अपने सिर्फ फ्लेवर्स है जेडे कि मॉर्निंग कंपनी दे यूज करदे आ, पर क्रश वगैरह भी है अपने को। ओके, केड़े-केड़े फ्लेवर्स है गया? फ्लेवर्स दे विच अपने को हैगा ग्रीन एप्पल, क्रैनबेरी, मोजिटो मिंट, ब्लू इलेक्ट्रिक ब्लू, जिन्हें ब्लू करंको भी कहंदे आ। ओके, ते भाजी साडे लई भी एक ग्लास तैयार करके दिखाओ तुसी। हां जी बिल्कुल, अपना ब्लूबेरी बना जा रहे हैं आप, ये 60 ml अपना ब्लूबेरी ऐड करेंगे। पहला आप ब्लूबेरी ऐड करने तो बाद ये आप लैमन ऐड करेंगे, जेड़ा कि एक पूरा लैमन पेगा। लैमन ऐड करने तो बाद ये आइस ऐड करेंगे और फिल्टर आइस यूज कर दे आप। आइस ऐड करने तो बाद चंगी तरह आप शेक करांगे। शेक करने तो बाद इनू ओपन करांगे आप, फिर ये बबल ऐड करांगे अपने गिलास के 350 ml का गिलास है, अपने को काफ़ी तरह के फ्लेवर्स के बबल्स है, अपने को 4 से 5 तरह के फ्लेवर्स है जिदे अपने शेक्स भी ऐड हो सकते हैं। अपने
अपने को फ्लेवर है मैंगो पीच पैशन ब्लूबेरी चॉकलेट इलैक्ट्रिक ब्लू। हाँ जी यह ब्लूबेरी के बबल्स ऐड करांगे आप ये क्योंकि ब्लूबेरी आप ड्रिंक बना जा रहे हैं। नहीं फ्लेवर जो फ्लेवर वगैरह तो मिल जाते हैं नॉर्मली जो बबल्स के फ्लेवर आ वो सारे इंपोर्टेड करवाने सर। वो असं इंपोर्ट करवाने ताइवान तो। ताइवान तो? हाँ जी। ताइवान तो किस तरह इंपोर्ट करवाते हो? ताइवान तो मेरे ब्रदर कजन है जेडे बॉम्बे के उगो की इंपोर्ट करवा के मैंने देंगे ये अपना ऐड करा जो आप गर्मियों के ऑडियंस हमेशा ही लगती है कि साढ़े लिए कुछ नवा लैके आओ या स्पेशल लैके आओ जो कि समर के पी सकी। बिल्कुल सर अपना सोडा ऐड करा लास्ट में सोडा ऐड करने तो बाद अपनी लास्ट लिड ना पैक कर लेंगे और अपनी बोबा बबल टी बन के तैयार है। हाँ जी ये शेक करन दा बोबा बबल टी बन के अपनी जी टाइमिंग हैगी है खालसा कॉलेज वूमेन वाली गली के बिल्कुल अपोजिट शामी साढ़े चार पाँच बजे तो लैके रात के ग्यारह बजे तक होने से। एक गिलास का प्राइस 100 तो स्टार्ट है मैं 100 तो लैके 120 150 शेक्स अलग अलग प्राइस आ जाते हैं। हाँ जी चलो मैं भी ट्राई करके दसूंगी कि किस तरह का टेस्ट लगता है। देखने में तुम देख सकते हो कि गिलास का साइज भी 100 पीना चाहते हो तो अमृतसर में जरूर इतने आके पियो। बहुत ही खट्टा मीठा टेस्ट है तो तुसी भी एक बार जरूर इतने आके इतने टेस्ट करो बबल आइस टी। इस दे नाल ही तुहानू एक बार जरूर इतने आना चाहिए है विजिट करके पीना चाहिए है। साडे वीर भरा ने कोई नवा स्टार्टअप किया है तो उन्होंने सपोर्ट करना ताडी जिम्मेवारी है। इस दे नाल ही मैं मधुमिशा कैमरा किस दे नाल गेटी जाती है।